फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब भी लड़का और लड़की रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें अपने रिलेशनशिप के फायदे और नुकसानों को देखना पड़ता है। और ये चीजें सबसे ज्यादा तब होती हैं जब लड़का और लड़की एक ही रास्ते पर चल रहे हो और वो लिव इन रिलेशनशिप में आ जाए। चलिए आज जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों, जब भी लड़का और लड़की शहर के दो अलग अलग कोनों में रहते हैं तो उन्हें आपस में मिलने के लिए काफी ज्यादा दूरी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और काफी ज्यादा किराया भी खर्चना पड़ता है। और अगर लड़का और लड़की एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो सबसे पहला फायदा उन्हें यही होता है कि उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए अब बार बार बहुत सारा किराया खर्चने की जरूरत नहीं है और घंटों घंटों टैक्सी में बैठकर ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का यही सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा होता है। इसी के साथ साथ लड़का लड़की जब बहुत देर तक फोन पर बातें करते हैं तो यकीनन बैलेंस भी काफी ज्यादा खर्च होता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दूसरा यही सबसे बड़ा फायदा है कि उनका बैलेंस और खर्चा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसी के साथ साथ एक दूसरे को समझने का मौका भी काफी ज्यादा मिल जाता है। आप एक साथ रहकर ये जान पाते हैं कि भविष्य में आपका रिश्ता कैसा होने वाला है। एक चीज को लेकर लड़का और लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और एक ऐसी चीज जिसके लिए लड़का और लड़की दोनों को ही काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, यानी कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंटीमेट होने की सबसे ज्यादा जल्दी होती है। और अगर वो एक दूसरे से दूर रहते हैं तो इस चीज में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इंटीमेट होने में उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जब चाहे अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं और उस समय को एंजॉय भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे फायदे जो लिव इन रिलेशनशिप के हैं और ये सारे फायदे लड़का और लड़की दोनों को ही मिलते हैं। मेरी ब्यूटी, हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।